मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 2 जनवरी से 7 जनवरी तक ये कार्यक्रम खंडवा के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर चलेगा। इस राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश के 29 प्रांतों से टीमें प्रतिभाग करने खंडवा पहुंची हैं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ 2 जनवरी जिले के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री पारस जैन के द्वारा शुरू किया गया। प्रातः 10 बजे उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से सभी प्रांतों की टीमें हाथों में ध्वज और प्रांत की नेम प्लेट लेकर मार्च करते हुए शहर का भ्रमण करते हुए स्टेडियम पहुंचे। इस मार्च पास्ट में बैंड बाजों के साथ अलग अलग सांस्कृतिक दलों ने टीमें भी अपने प्रदर्शन करते हुए चल रही थी। शहर वासियों ने फूल बरसाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया। शहर के प्रमुख स्थानों पर समाज सेवी संगठन और नगरवासी पुष्प वर्षा करते हुए मेहमान खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। साथ ही खिलाड़ियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिदिन 80 से ज्यादा मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में विजेता टीम को जहां खेल विभाग सम्मानित करेगा, वहीं खंडवा के महापौर सुभाष कोठारी और अतिथिगण महावीर ट्रॉफी से टीम को सम्मानित करेंगे। जनप्रतिनिधियों से और इस मंच से मैं देश के सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से आह्वान करूंगा कि अब समय आ गया है हम युवा पीढ़ी को खेल के साथ जोड़ें। खेल के मैदान से ये पीढ़ियां, ये युवा जितने दूर हटते जा रहे हैं उतना इनका कनेक्शन मोबाइल और कंप्यूटर से और इंटरनेट से हो रहा है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये गेम छोड़कर अब युवा व्हेल गेम खेल रहे हैं, जिससे जान पर भी बनाती है, एडिक्ट हो रहे हैं उसके, और ऐसे प्रदूषण से समाज को, युवा पीढ़ी को, नौजवानों को, आने वाले भविष्य को बचाने का एकमात्र उपाय है हम बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जितना प्रोत्साहित करना है वो जरूर करें, लेकिन हर माँ बाप और समाज के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो युवा पीढ़ी को खेल के मैदान से जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करें। खंडवा से विजय तीर्थाणी की रिपोर्ट।